नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 17 जून को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड वक्री होने जा रहे हैं और अगले लगभग 140 डेज के लिए शनि वक्री ही रहेंगे। अपने मूल त्रिकोण की राशि में शनि के इस वक्रत्व का हम सभी के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस विश्व पर क्या असर पड़ेगा, इसके मायने क्या हैं और इससे संबंधित कौन से वो सरल उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि शनि के इस वक्रत्व का कोई भी गलत प्रभाव हम लोगों के जीवन पर ना पड़े, इन सभी चीजों की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोज यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, 17 जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 140 डेज के लिए, 140 दिनों के लिए, 4 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। एक ऐसा समय भी आएगा जब शनि और गुरु दोनों अपने अपने स्थानों पर वक्री रहेंगे। मंगल के साथ इस शनि का एक बड़ा ही अलग तरीके का संबंध इस पूरे 140 दिनों के काल में बन रहा है और इन सभी चीजों का हम लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को यदि याद होगा तो आज से लगभग 3 महीना पहले शनि जब अस्त हुए थे तब एक वीडियो में मैंने ग्राफिक्स के जरिए बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाया था कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। मैं उस स्लाइड को यहां भी दे दे रहा हूं, इससे आप समझ जाएंगे कि वक्री प्लैनेट्स कब होते हैं और क्यों इनका प्रभाव हम लोगों के जीवन पर ज्यादा पड़ता है। ये जो आप पहला स्लाइड देख रहे हैं इसमें अर्थ और सैटर्न दोनों बिल्कुल एक सीध में सन के हैं। ये वो पोजिशन होता है जब सन से सेवेंथ हाउस में सैटर्न रहते हैं, यानी कि सूर्य से सेवेंथ हाउस में शनि रहते हैं। ये वो समय होता है जिसको हम लोग कहते हैं डीप रेट्रोग्रेशन में है प्लैनेट। कोई भी प्लैनेट जब सूर्य से सातवें हो जाए तो आप देखिएगा उस समय में वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है। इस समय में यदि आप देखिएगा तो पृथ्वी और सैटर्न की दूरी 784 मिलियन माइल्स का होता है। ये वो समय होता है जब शनि पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। आप लोगों ने इस स्लाइड में देखा होगा फ्रेंड्स, प्लैनेट्स जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो उनकी दूरी हमारे पृथ्वी से कम हो जाती है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कई जगह पर कि वक्री प्लैनेट्स में उच्च प्लैनेट्स के समान बल आ जाता है। वक्री प्लैनेट्स जब पृथ्वी के ज्यादा करीब होंगे तो ये बहुत स्वाभाविक है कि उनकी ज्यादा रश्मियां इस पृथ्वी पर पड़ेंगी और उसका प्रभाव हम सभी लोगों के जीवन पर होगा ही होगा। एक सरल एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आएगा कि प्लैनेट्स वक्री होने का मतलब क्या होता है, प्लैनेट्स वक्री क्यों होते हैं, प्रभाव क्यों ज्यादा होता है, ये तो आप समझ गए, लेकिन वक्री का मतलब कैसे समझें। देखिए, आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप बाजार में किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ सामान आपको खरीदना है, आपने उन सामानों को खरीदा, दुकानदार को पैसा दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ ही दूर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको याद आता है कि कुछ आवश्यक सामान छूट गया और उस सामान को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, इसीलिए आपको वापस जाना पड़ता है दुकान पे, फिर से वो सामान खरीदना पड़ता है, पैसे देने होते हैं और फिर आगे बढ़ना होता है। वक्री प्लैनेट्स का मतलब यही होता है। कौन सा प्लैनेट वक्री हो रहा है, उसके सिग्निफिकेशंस, उसके कारकत्व कौन कौन से हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरा ये समझ लीजिए कि आपके किस भाव में वो प्लैनेट वक्री हो रहा है, उस भाव का अर्थ क्या होता है। आप लोगों को मालूम होगा ना, पहला भाव मतलब हम खुद, चौथा भाव मतलब हमारी माता, हमारा घर, सातवां भाव यानी कि हमारे पार्टनर्स, हमारा स्पाउस, दसवां भाव यानी हमारे करियर। हर भाव का एक मतलब होता है। तो कोई भी प्लैनेट किस भाव में वक्री हो रहा है, उस भाव से संबंधित चीजों पर
आपको फिर से एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है। वक्री प्लैनेट्स आपको ये इशारा करते हैं कि आपको वापस दुकान पे जाना है और जो चीज आपका छूट गया है उसको लेकर आना है। अब सैटर्न कर्माधिपति है, हमारे कर्म के कारक है, और सैटर्न को कुछ गलत चीजों का कारक, दुख का कारक कहा गया है, फ्रस्ट्रेशंस का कारक कहा गया है, ऑब्स्टेकल्स बीमारियों का कारक कहा गया है, डेथ का कारक भी सैटर्न को कहा गया है। तो इसलिए सैटर्न जब वक्री होते हैं तो हम लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं, सैटर्न से हम लोग इसलिए ज्यादा डरते हैं। तो सैटर्न किस भाव में वक्री हो रहे हैं इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और प्लैनेट्स हर साल वक्री होते हैं फ्रेंड्स, इनका मैसेज एक ही होता है कि जीवन में आप हमेशा आगे नहीं बढ़ते रह सकते, जीवन के कुछ क्षण ऐसे अवश्य होने चाहिए, साल का कुछ समय ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा ठहर कर पीछे देखिए और अपना कोर्स करेक्शन कीजिए। आप जहां बढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता है क्या, या फिर जो आप कर रहे हैं क्या वो अनावश्यक है, उसको छोड़ने की आवश्यकता है क्या, कुछ फाइन ट्यूनिंग करने की आवश्यकता है क्या, चीजों को रिविजिट करने की आवश्यकता है क्या। इन चीजों को दर्शाने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए प्लैनेट्स हर वर्ष वक्री होते हैं, और प्लैनेट्स जब भी वक्री होते हैं तो ये पुनरावलोकन का समय होता है हम सभी लोगों के लिए। अब इसका प्रभाव कहां कहां पर पड़ेगा, देखिए 13 डिग्री 2 मिनट पर शनि होंगे 17 जून को, वहां से वो पीछे आना शुरू करेंगे 4 नवंबर को, वो 6 डिग्री 20 मिनट कुंभ राशि पर जब पहुंचेंगे, उसके बाद फिर से 4 नवंबर के बाद वो मार्गी होने लगेंगे, यानी कि ये लगभग 6.5 डिग्री का जो दूरी है इसको शनि पीछे जाते हुए फिर से कवर करेंगे। शनि जहां जहां पर रुकते हैं, यानी कि जहां भी स्तंभित होते हैं, स्तंभित क्या होता है, कोई भी प्लैनेट वक्री होने के पहले कुछ समय तक बिल्कुल ठिठक जाता है, बिल्कुल ठहर जाता है, उसका चाल बिल्कुल रुक जाता है, उस पॉइंट को कहते हैं कोई भी प्लैनेट किस पॉइंट पर जाकर स्तंभित हो रहा है। तो शनि 13 डिग्री 2 मिनट पर स्तंभित होंगे और फिर से पीछे जाते हुए 4 नवंबर से लगभग एक सप्ताह पहले वो फिर से 6 डिग्री 20 मिनट पर स्तंभित होंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में इन पॉइंट्स पर कोई भी ग्रह हैं तो आप पर इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी भी भाव का कस्प है इन पॉइंट्स पर तो भी इसका प्रभाव आप लोगों पर पड़ेगा। इस बार अच्छा यह है कि शनि कुंभ राशि में ही वक्री होंगे और कुंभ राशि से ही फिर मार्गी हो जाएंगे। पिछले साल भी आप लोगों को याद होगा शनि कुंभ राशि में आए थे लेकिन सिर्फ 1 डिग्री के हुए थे, वक्री होकर वापस मकर राशि में चले गए थे। इस बार वैसी स्थिति नहीं है, इस बार राशि परिवर्तन नहीं होगा शनि का, नक्षत्र परिवर्तन होगा। 13 डिग्री 2 मिनट यानी कि शतभिषा के सेकंड पद में ये वक्री होंगे और 6 डिग्री 20 मिनट यानी कि धनिष्ठा के चौथे पद में आकर ये फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो लगभग 6.5 डिग्री का डिस्टेंस है आपकी कुंडली में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि वक्री हो रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लैनेट्स हर वर्ष वक्री होते हैं। सैटर्न का देखिएगा तो ऑन एन एवरेज 142 दिनों तक शनि हर वर्ष रेट्रोग्रेड होते हैं, किसी वर्ष 2-3 दिन ज्यादा, किसी वर्ष 2-3 दिन कम। इस बार 140 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं। मकर नवमांश में वक्री होंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल नवमांश है, मकर राशि हम लोगों के पावर, पोजीशन, इकोनॉमी, कैरियर, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मकर नवमांश में शनि वक्री होंगे, ये उनका अपना नवमांश है, इस नवमांश में जब तक शनि रहेंगे ठीक ठाक ही रहेंगे,
लेकिन शनि जब पीछे चलते हुए धनु नवमांश में आएंगे सतभिषा के पहले पद में, तो धनु नवमांश थोड़ा सा ट्रिकी नवमांश है। इस समय में धर्म युद्ध, धर्म से रिलेटेड चीजें, युद्ध से रिलेटेड चीजें बढ़ेंगी। और इस बार मंगल के साथ जो मैंने कहा शनि का एक बहुत ही पिक्यूलियर रिलेशन रहेगा। जिस समय में शनि वक्री हो रहे हैं उस समय में यदि देखिएगा तो शनि और मंगल एक षडाष्टक बना रहे हैं, और मंगल उस समय में नीच के होंगे। षडाष्टक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, और खास करके हम लोग जिस मुश्किल काल में रह रहे हैं, आर्थिक मंदी, युद्ध का माहौल, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता विश्व में बढ़ रही है, अविश्वास की दृष्टि से हर देश दूसरे देश को देख रहा है, ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में इस तरीके का योग बनना अच्छा नहीं है। इसके बाद आप देखिएगा तो मंगल जब मूव करेंगे सिंह राशि में, उस समय शनि के बिल्कुल ऑपोजिट में आ जाएंगे। शनि की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि शनि पर। यहां भी मंगल लगभग 45-46 दिनों तक रहेंगे। उसके बाद मंगल जब कन्या में आएंगे तब फिर से एक षडाष्टक बनेगा। तो ये लगभग पूरे 140 दिनों का जो कालखंड है ये मुश्किल समय होगा पूरे विश्व के लिए। शनि फ्रस्ट्रेशंस, ऑब्स्टेकल्स, लिमिटेशंस वगैरह के कारक हैं, तो इस समय में हम सभी लोगों को यह फील होगा कि हम जो भी कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य जिस गति से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। शनि याद रखिए कर्माधिपति भी है, तो हमारा कर्म, हमारा करियर, हमारा काम, बाधाएं आएंगी, हम लोगों को फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। मंगल की भी स्थिति अच्छी नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, झगड़े के मोड में आएंगे, लॉस किसी दूसरे का नहीं आप ही का होगा। तो इस समय में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, पेशेंस रखने की आवश्यकता है। झुंझलाहट जो एक खीज होती है, खीजना नहीं है, शांत रहना है। शनि से रिलेटेड हम लोग क्या रेमेडीज कर सकते हैं, देखिए शनि और मंगल दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन है, हनुमान जी की पूजा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इस समय में। हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो शनि और मंगल दोनों को शांत रखने में पूरे रूप से सक्षम है। हनुमान जी की प्रार्थना इस समय में हम सभी लोगों को करते रहनी चाहिए। शनि चूंकि कुंभ में वक्री हो रहे हैं, कुंभ राशि को भगवान शिव के साथ जोड़कर देखा जाता है, भगवान शिव की उपासना बहुत आवश्यक है। मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। शनि कहीं ना कहीं हमारे श्वास को, हमारे ब्रेथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। श्वास से संबंधित एक्सरसाइज, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आपको रिलैक्स रहने में बहुत मदद करेगा। शनि अभी सतभिषा में है और उसके बाद वो आ जाएंगे धनिष्ठा में। जब धनिष्ठा में आएंगे शनि तो वो वृश्चिक नवमांश होगा। मंगल के साथ जो शनि का संबंध बन रहा है इस पूरे कालखंड में, और वृश्चिक नवमांश में जब शनि आएंगे तो वो पीरियड सबसे ज्यादा डेंजरस पीरियड आप मान सकते हैं। उस समय में विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। शनि जब सतभिषा में आए थे तो एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था और उसमें सतभिषा से संबंधित बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रेमेडीज मैंने बताए थे, उसको एक बार देख लीजिए। मैं वीडियो दे देता हूं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर आपका रेमेडी हो जाएगा। पिछले साल जब शनि धनिष्ठा में आए थे उस समय में धनिष्ठा पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था और धनिष्ठा से संबंधित कुछ सिंपल प्रैक्टिकल रेमेडीज बताए थे, उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसको भी देखकर आप रेमेडीज कीजिएगा और भी बहुत सारी बातें आपको समझने को मिलेंगी। इन चीजों को करते रहिएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 140 दिन का पीरियड है, बहुत ही आराम से निकल जाएगा। हर राशि, हर लग्न पर शनि के इस वक्रत्व का क्या प्रभाव पड़ेगा उसका मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में उसको सम्मिलित करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में
शनि के वक्रत्व से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को मिली होगी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको साझा कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। आज मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को विराम दूंगा। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।